ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है सोना चांदी कि अब ग्राहक कह रहा है कि अब इससे ज्यादा क्या ही बढ़ेगा, तो इसलिए कि आप रुक जाते हैं। नहीं, अभी तो बहुत डाउन है चांदी के भाव बढ़ने से भी, क्योंकि पायल बिछिया ज्यादा चलती है करवा चौथ पे, तो अभी क्या बाजार बहुत स्लो देख रहा हो आप भी, बाजार में बहुत ज्यादा रौनक नहीं है। मार्केट तो अभी काफी डाउन चल रहा है क्योंकि मार्केट में पैसा है नहीं। ज्वेलरी मार्केट अभी तो बहुत स्लो चल रहा है अभी तो, क्योंकि भाव बहुत तेज चल रहा है इस समय। हाँ, अभी क्या रेट कट, जो फेड ने रेट कट किया है उसके चक्कर में सोने का रेट बहुत तेजी से उछाल मारा है। अभी 24 कैरेट का भाव 78 करीब का है। और ये इसके 80 के ऊपर तक जाने का अनुमान लग रहा है। रेट भी लगातार क्या युद्ध वगैरह के चक्कर में ऊपर जाते जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। धनतेरस आने वाली है, उससे पहले ही सोने की चमक जो है बढ़ गई है, चांदी का भी भाव कह रहे हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी बीच करवा चौथ भी आ रहा है और दिवाली में भी अभी 10 दिन के करीब का समय बचा हुआ है। इस बीच मार्केट कितना उछाल करने वाला है, क्या आने वाला है, मार्केट का हाल चाल रहने वाला है। ज्वेलरी मार्केट में खड़े हम जहांगीराबाद के, बात करेंगे सर से। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम अनुकूल अग्रवाल है। अच्छा, ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल चल रहा है वर्तमान में? ज्वेलरी मार्केट अभी तो बहुत स्लो चल रहा है अभी तो, क्योंकि भाव बहुत तेज चल रहा है इस समय, और सोने के भाव में क्या तेजी आगे भी दिखाई जा रही है, तो इससे भी बाजार में बहुत लूज चल रहा है बाजार। अभी क्या भाव चल रहा है और आगे धनतेरस तक कितना और सोना चमकने वाला है? अभी 24 कैरेट का भाव 78 करीब का है। और ये इसके 80 के ऊपर तक जाने का अनुमान लग रहा है। लग रहा है धनतेरस तक टच कर जाएगा। धनतेरस तक पक्का कर जाएगा उसको, 80,000 तक। और चांदी की बात करें तो चांदी में चांदी भी 90 से ऊपर हो गई है, 90-92। दोनों वैरायटी का बताएं आप, इस वैरायटी में कितना अभी चल रहा है? चांदी का 92,000 करीब चल रहा है अभी। सोना 78 करीब। अच्छा, करवा चौथ आ रहा है, बहुत बड़ा एक त्योहार है, पूरा एक त्योहारों का हफ्ता आ रहा है। खरीदारी अभी कैसी चल रही है? नहीं, अभी तो बहुत डाउन है चांदी के भाव बढ़ने से भी, क्योंकि पायल बिछिया ज्यादा चलती है करवा चौथ पे, तो अभी क्या बाजार बहुत स्लो देख रहा हो आप भी, बाजार में बहुत ज्यादा रौनक नहीं है। कपड़े में थोड़ी बहुत दिख रही है, बाकी चांदी सोने में कम है अभी। अच्छा, कटौती कर रहे हैं लोग खरीदारी में? हाँ, चांदी को की महंगाई भी बहुत है इस समय, तो ये भाव के कारण भी बहुत कटौती कर रहे हैं लोग, पहले उनका कपड़े पे ज्यादा रुझान दिख रहा है मुझे। अच्छा, बात करें तो दिवाली अभी बस एक दो हफ्ते दूर है। हाँ, दिवाली के आने तक सोना और चांदी में कितना उछाल आएगा और कितनी बढ़ोतरी होगी परसेंटेज में बात करें? मैं समझता हूँ 5% और बढ़ोतरी हो सकती है बस, इससे ज्यादा नहीं। मतलब सोने में हाँ, मतलब वही 80 करीब हो सकता है। अच्छा, खरीदारी में और कितने परसेंट नए दर आ सकते हैं खरीदार अभी के मुकाबले? अभी के मुकाबले तो ज्यादा नहीं है, धनतेरस तक ही चलेगा थोड़ा बहुत बाजार। अच्छा, बात करें तो जैसा महीने का अंत होने वाला है, सैलरी अभी लोगों की कम हो जाती है, तो क्या उसका फर्क भी पड़ता दिख रहा है? हाँ, बहुत फर्क दिखेगा, क्योंकि दिवाली भी समय लास्ट मंथ में है, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, और सैलरी कब होती है क्या होती है इसका भी व्यापार में तो असर पड़ेगा ही। अच्छा, क्योंकि 25 के बाद ही अगर सैलरी होती है वो धनतेरस ही थोड़ा बहुत कर सकता है बाजार। अच्छा, कह सकते हैं इस बार दिवाली में सोना चांदी फीका रहने वाला है? हाँ, हो सकता है बहुत फीका रहे। अच्छा, मार्केट डाउन है। चलिए, एक और नवयुवक हैं, पिताजी के साथ ही साथ दुकान संभालते हैं, उनसे बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम लिखते हैं? दिव्यांग अग्रवाल। अच्छा, दुकान में आप भी बैठते हैं? जी। क्या हाल चल रहा है इस समय सोने चांदी के मार्केट का? मार्केट तो अभी काफी डाउन चल रहा है क्योंकि मार्केट में पैसा है नहीं, जो पैसा होना चाहिए उतना अभी है नहीं, फ्लो में पैसा नहीं है, तो क्या और रेट भी लगातार क्या युद्ध वगैरह के चक्कर में ऊपर जाते जा रहे हैं, फ्लक्चुएट बहुत हो रहे हैं। हाँ, अभी क्या रेट कट, जो फेड ने रेट कट किया है उसके चक्कर में सोने का रेट बहुत तेजी से उछाल मारा है। डॉलर फॉर्म में बताया जाए तो $2670 पहुंच गया है। अच्छा। हाँ, और रुपए भी क्या बोलते कमजोर होता जा रहा है डॉलर की उसमें कंपेरिजन में, तो उसके कारण भी क्या रेट बढ़ता जा रहा है, और फिजिकल मार्केट में भी क्या बोलते फर्क भी बड़ा हुआ है। सब चीजों का देखते हुए नॉर्मल जो ग्राहक है वो खरीदारी करने में अब हिचकिचा रहा है। हाँ, अच्छा। वो खरीदारी करे कैसे?
रेट में कुछ तो उसको नर्मता ही दिखे। अब ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है सोना चांदी, अब ग्राहक कह रहा है कि अब इससे ज्यादा क्या ही बढ़ेगा, तो इसलिए कि आप रुक जाते हैं, थोड़ा नर्म होने देते हैं, फिर अपन आगे की खरीदारी करेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से यही रुझान है ग्राहकों का। इस चक्कर में भी है कि मार्केट में उतनी जो भरी दिवाली का समय है उसके बाद भी आप देख रहे हो कि कैसे खाली पड़ा है मार्केट, तो उसका रीजन यही है कि वो रेट और वही। अभी एक दो हफ्ते दिवाली आने में, धनतेरस भी आने वाली, लग रहा है मार्केट रिकवर हो पाएगा। मार्केट को अब दिवाली तो मेन सीजन ही होता है दुकानदारों का, और उसके बाद फिर अब शादियों का सीजन भी है, तो उठाव आना तो चाहिए ही। फिलहाल नहीं है तो क्या हुआ, दिवाली पे तो उम्मीद पे दुनिया गाया में, तो उम्मीद तो है कि उठाव आएगा। अब देखते हैं कितना परसेंट आता है, कैसा आता है। तो देखिए धंधा बहुत मंदा चल रहा है इस समय ज्वेलरी मार्केट का, और सोने चांदी बहुत फीके हो गए हैं इस समय। दिवाली में उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे हमारे भैया ने बताया कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उछाल आने वाला है। शादी का भी एक पूरा त्योहार की तरह एक पूरा डेट सजी हुई है, तो देखते हैं अगर इसको लेकर क्या उछाल आते हैं रेटों में सोने चांदी के और भी जो हमारे आभूषण है। तो ऐसी और खबरों के लिए फील्ड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए मेरे यानी अनुराग के साथ। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 लोकल मध्य प्रदेश।